बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेरियस इन्फो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कैमटेशिया स्टूडियो 9 के एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे, और उस फीचर का नाम है ब्लर। ब्लर से मुराद ये है कि जिस तरह आप देखते हैं, कभी एक बार हम कोई वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर अगर आपके कोई मैसेज आ जाता है तो आप चाहते हैं कि ये कोई और ना देख सके, आपका पर्सनल मैसेज है तो आप उसको ब्लर करते हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा कि आपने बाद वीडियोस देखी होंगी, जिस तरह के यूट्यूब अकाउंट बनाना, यूट्यूब चैनल बनाना, और भी फेसबुक के, और मतलब कि इस तरह की जौन सी होती हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा बाद वीडियो में कि वो ब्लर कैसे करते हैं। तो वो कैमटेशिया स्टूडियो यूज़ करके उसको ब्लर करते हैं, और आज मैं आपको वही सिखाऊँगा कि आप इसको ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे चैनल से आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने अपना कैमटेशिया स्टूडियो 9 जो सा वो ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ से मैंने एक पहले से ही जो सा अपने जो वीडियो है आपके लिए मैंने सैम्पल के लिए ली है, तो आप देख सकते हैं जिस तरह का मेरी YouTube का जो सा वीडियो के शुरू में इंट्रो है, जिस तरह के आप देख चुके हैं कि मेरी वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ इसके भी शुरू में इंट्रो आ रहा है, तो ये वो इंट्रो है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये जो मेरा इंट्रो है इसके यहाँ पे ये वेरियस इन्फो, इसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मेरे पास और कोई नहीं थी इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, तो मैं चाहता हूँ इसको वेरियस इन्फो जो सा है उसका मैं ब्लर करूँ कि आप इसको देख ना सकें। तो सिंपली बहुत ही आसान है, आप यहाँ से एनोटेशंस में चले जाएं, और यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है वो है ब्लर एंड हाईलाइट। तो जो सा हमारे पास सबसे पहले ही ऑप्शन आ जाता है उसका नाम है ब्लर। तो यहाँ से मैं ब्लर को अगर क्या नाम है क्लिक करके रखूँ, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँ, तो ये देखें ब्लर होना शुरू हो गया। अब हमने ओनली वेरियस इन्फो को ब्लर करना है, तो हम यहाँ से इतना वेरियस इन्फो का हिस्सा ले लेते हैं यहाँ से, और अब आप देख सकते हैं कि ये जो सा हमारा जो वेरियस इन्फो लिखा गया था वो वहाँ से ब्लर हो गया कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो आप जिस तरह देख सकते हैं ब्लर हो गया हुआ है। इसके बाद हमारी जो इसके पास लेयर है वो भी हमारे पास नीचे आ गई है कि हम इसको कहाँ से ब्लर रखना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ से मैं इसको इतना ब्लर कर देता हूँ, आप देखें कि थोड़ा सा ब्लर होगा और एकदम से हट जाएगा, ये देखें तो बहुत ही थोड़ा आ गया। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए हाँ इतना रख पाता हूँ। तो यहाँ से आप देखें कि वीडियो शुरू होते हुए ब्लर हो गई, उसके कुछ सेकंड बाद ही ये जो उनका ब्लर था वो गायब हो गया। तो इसी तरह आप देखते होंगे कि कुछ जो उनके सीन होते हैं वो इस तरह ब्लर होते हैं, उसके बाद जब वो कोई और टैब खोलते हैं या कोई और काम करते हैं तो वो जो सी ब्लर हुई चीज़ है वो गायब हो जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ब्लर के अलावा भी और भी ऑप्शंस के बारे में आज बताऊंगा। तो जिस तरह कि अब मैं इसी को ही दोबारा करता हूँ, वेरियस इन्फो को यूज़ करता हूँ। तो अभी जो हमारे पास दूसरा है ऑप्शन, इसका नाम है स्पॉट लाइट। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये देखें जिस हिस्से पर आप लिखेंगे स्पॉट लाइट से वो हिस्सा जो सा है वो पहले नंबर पर नज़र आएगा, क्योंकि ये जो लाइट है ये एक हिस्से पे है, तो वो जैसे ही हम वीडियो शुरू करेंगे तो हमें खाली ये लिखा हुआ नज़र आएगा, फिर हम बाकी पढ़ेंगे। जिस तरह के आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हम इसको यहाँ से शुरू से लगाएं तो देखें यहाँ से स्पॉट लाइट ऑन हो गई है। यहाँ से क्या आपने जिस तरह देखा होगा कि आप अगर कोई यूट्यूबर आपको वीडियो में चीज़ सिखा रहा होता है और वो एक जगह पर अगर वो लाइट ज़्यादा आ जाती है कि वो मेन चीज़ होती है जो आपको बता रहा होता है, वो इस जो सी स्पॉटलाइट टूल है इससे वो करता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल टूल है, इसके बारे में भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पे है वो है हाईलाइट। हाईलाइट टूल भी बहुत ही अच्छा टूल है, ये भी सेम स्पॉटलाइट जैसा काम होता है, पर इससे जो सी चीज़ है वो हाईलाइट हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो इससे आसानी से हाईलाइट हो जाती है। तो आप ये देखें हाईलाइट होगी, अगर इसको मैं दोबारा से ऑन करूँ, देखें मैं दोबारा से अपना इंट्रो ऑन करता हूँ, तो जो सब वेरियस इन्फो है वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट से ये मतलब होगा कि वो पहले पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद होगी आपको इसके बारे में भी समझ लगी होगी, क्योंकि बहुत ही आसान है।
ये ब्लर का भी बता दिया, स्पॉटलाइट का भी बता दिया, हाईलाइट का भी बता दिया, और जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है वो इंटरकेटिव हॉटस्पॉट है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से ये कुछ हमारा हिस्सा है, इसको यूज़ करते हुए हमें ये नहीं समझ लगती ये है क्या चीज़, पर इससे थोड़ा सा आपकी जो सी जिस वीडियो पे आप क्या नाम है करते हैं, जिस एरिया पे इसको रखते हैं, वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो इस टूल से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाता हूँ वेरियस इन्फो पे। यहाँ से मैं इसको इतना कर लेता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, तो आप देखना थोड़ा सा वो जो सा वेरियस इन्फो का हिस्सा है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये देखें, ये देखें इस टूल के बारे में, ये भी बहुत अच्छा टूल है कि आपकी चीज़ जो है उसको लाइट कर देता है। उसके बाद ये भी आपको समझ लग गई होगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टूल बच जाता है उसका नाम है पिक्सलेट। पिक्सलेट भी एक बहुत ही अच्छा ब्लर टूल है। इसका नाम पिक्सलेट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे वेरियस इन्फो पर लेके आके, तो आप ये देखें कि इसके जो से पिक्सल्स हैं वो यहाँ से इसके जो पिक्सल्स हैं वो अलग-अलग हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये सारा कुछ ब्लर हो जाता है और इसके पिक्सल्स जो उनसे हैं वो ऐसे ख़राब हो जाते हैं और ये बाहर आ जाता है और एक किस्म से ये ब्लर हो जाता है, तो उससे भी हमें नज़र नहीं आता। अगर मैं आपको यहाँ से बैक करके दिखा देता हूँ, अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ वीडियो, एकदम से इसके जो पिक्सल हैं वो यहाँ से ब्लर हो गए हैं, इसके जो पिक्सलेट हो गए हैं इसके पिक्सल। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है, पर आपको यहाँ पे मैंने जिन से 5 टूल्स हैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। उम्मीद होगी आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपके सेल में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे चैनल से आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।